सुबह खैर, मेरी और फादर अनायत की तरफ से आप सबको साल के दौरान 11वां इतवार मुबारक हो। आज की पहली तलावत खुरूज, उसका 19वां बाब और उसकी दूसरी से छठी आयत तक। पूरी कायनात मेरी है और मेरे लिए तुम काहिनों की सल्तनत और पाकीज़ा कौम हो। आज की दूसरी तलावत रोमियो, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी से 11वीं आयत तक। अगरचे हम गुनाहगार थे, लेकिन मसीह खुदावंद का हमारे गुनाहों के लिए स्लीप पर मरना खुदा की हमसे मोहब्बत का सबूत है। आज की इंजील मुकद्दस मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, उसका 9वां बाब और उसकी 36वीं से 10वें बाब की 8वीं आयत तक। फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो फसल काटने के लिए और मजदूर भेज दे। इतवार की नसीहत में काहिन ने मोमिनीन को 3 नुकात बताए। पहले नुक्ता में काहिन ने मोमिनीन को बताया कि खुदा चाहता है कि हम उसके अहकामात पर दिलोजान से अमल करें। जब हम खुदा के अहकामात पर दिलोजान से अमल करेंगे तो खुदा हमें काहिनों की बादशाहत और पाकीज़ा कौम होने का एजाज बख्शेगा। दूसरे नुक्ता में काहिन ने मोमिनीन को बताया कि खुदा कादर मुतलिक है और वो हमारे गुनाह माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। खुदा ने अपने बेटे को सलीब पर कुर्बान करके हमें गुनाहों से निजात बख्शी। खुदा चाहता है कि हम अपने वसाइल दूसरे मजाहिब, अकीदा और सकाफतों के लोगों से बांटें। तीसरे नुक्ता में काहिन ने लोगों को बताया कि हमें अपने रहनुमाओं के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि वो खुदा के फजल के लिए मौसर जरिया बन सकें। क्या हम नौजवान काहिनों के लिए दुआ करते हैं ताकि वो भी खुदा के फजल के लिए मौसर जरिया बन सकें? याद रखिए, खुदा हमें बहुत प्यार करता है और उम्मीद है कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन।